हाँ बोलो। एक बार तुम लोग क्लब में आ जाओ। ओके ओके हम लोग आ रहे हैं। किसका फोन है? वही यार प्रज्ञा। प्रज्ञा प्रज्ञा हमें तुरंत क्लब में आने के लिए बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे सब कुछ पता चल गया? यार उसे सब याद आ गया तो? याद आ गया तो क्या, उसको भी रास्ते से हटा देंगे। हमें यहाँ क्यों बुलाया? स्टेला के बारे में कुछ पता चला क्या? कुछ पता तो नहीं चला है, पर हम ट्राई कर रहे हैं। पर वो ऐसे गई कहाँ होगी? किसी काम से गई होगी। तुम इतना क्यों सोच रही हो? वो चाहे किसी भी काम में कितना भी बिजी हो पर मुझे हमेशा कॉल करती है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? एवरीथिंग विल बी ओके, रिलैक्स प्रज्ञा, ये पेग लो। उसके डैडी ने कहा था कि 11th या 12th को मुंबई आने वाली है, लेकिन अब तक नहीं आई। कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है? अरे तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? पहले उल्टी सीधी बातें दिमाग से निकालो। उस दिन मैंने तुम लोगों को फ्लैट में देखा था। तुम्हारे फेसेस से लग रहा था कि तुम लोग कुछ टेंशन में हो। हम लोग? कम ऑन प्रज्ञा, कैसी बात कर रही हो? अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। इसने कहा था कि इसके फ्रेंड की पार्टी से सीधे स्टेला के घर पर मिलेंगे और मैं भी वहां आई थी। तब तुम चारों लोग वहीं पर थे। स्टेला को सिरदर्द है और वो सो रही है, ऐसा इसने कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा यार, तुम लोग कुछ बोलो ना। मतलब स्टेला मुंबई गई ही नहीं? पक्का तुम लोगों ने ही कुछ किया है। सच सच बता मुझे, स्टेला के साथ क्या किया तुमने? कुछ नहीं हुआ है, तुम इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? इशू? वो मेरी फ्रेंड थी, मुझ पर विश्वास करके उसने तुम चारों से दोस्ती की थी। तुम लोगों ने फ्रेंडशिप की आड़ में क्या किया? स्टेला के साथ क्या किया बताओ मुझे, क्या किया? चिल्ला मत। मैं चिल्ला रही हूँ? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो किया है तुम लोगों ने, बताओ मुझे वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। क्या बोलोगी तुम? क्या बोलोगी पुलिस को? ज्यादा बकबक मत करो, इस मैटर को यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? क्या करोगे तुम लोग बताओ? क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? ये नहीं देखेंगे कि तुम फ्रेंड हो, तुम्हें मार डालेंगे हम लोग। मार डालोगे मुझे? मतलब स्टेला को मार डाला तुम लोगों ने? इतनी दूर से आकर यहाँ कुछ अच्छा काम कर रही थी, उसे मार डाला तुमने? तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी जाकर सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। पुलिस तक पहुंचने के पहले तुम्हें मार डालेंगे। मार डालोगे मुझे? तो मार डालो, मैं अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। स्टॉप, रोको प्लीज। रुकती है कि नहीं? अरे पकड़ ना उसे, तुमसे बच के नहीं जा पाएगी। रुक जाओ, पकड़ो उसे। हेलो सर, चार लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज सर बचाइए मुझे, प्लीज सर, वरना वो लोग मुझे। रुक जाओ। हेलो, आप मुझे बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? गणेश जल्दी से पता लगाओ कि ये कॉल किसे रही है। हेलो कंट्रोल रूम रिपोर्टिंग, नायक रिस्पॉन्डिंग। She needs urgent help, sir. नारायण। हेलो सर। अर्जेंटली 16th रोड पर जाओ तुम। क्या हुआ सर? वहाँ पर एक लड़की की जान खतरे में, जाकर देखो जल्दी। अभी आता हूँ सर। अरे यार अब क्या होगा? Thank you.
हाँ बोलो नारायण सर, आपने जो गली बताई थी वहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ रोड पर एक लड़की मरी पड़ी है सर। ये लड़की अभी जिंदा है सर, इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। एम्बुलेंस को फोन करो। ऑन द वे है सर। एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। नारायण, एक्सीडेंट 12:35 को ही हुआ है। लड़की ने कंट्रोल रूम फोन किया था 12:15 पर फोन कट हुआ 12:16 पर, लेकिन इस लड़की की घड़ी 2:35 दिखा रही है। मान लेते हैं कि एक्सीडेंट 12:35 को हुआ, पर फोन के स्पॉट और मरने वाले के स्पॉट के बीच की दूरी 200 मीटर भी नहीं है। चलते हुए जाएंगे तो कितनी देर लगेगी? 5 मिनट लग जाएंगे सर। भागते हुए जाएंगे तो 2 से 3 मिनट लगेंगे सर। फिर इस लड़की को 15-16 मिनट क्यों लगे? मतलब इन 15 मिनट में ही कुछ गोलमाल हुआ है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की का रेप करके यहाँ ढकेल दिया गया हो भी सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। पब में जाएंगे तो पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सीसीटीवी मॉनिटर रूम कहाँ है? वहाँ पर सर। ये चारों कल मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए। ओके सर। ये सीसीटीवी फुटेज भेज दो मुझे। ठीक है सर। टाइम पर कैसे आई? रुक जा बताती हूँ। पता नहीं, इसका कोई भी प्रोग्राम मेरी समझ में नहीं आता, जब देखो तब गड़बड़ करती रहती। क्या हुआ रे? मैंने अपने दोस्त को सिनेमा थिएटर में ले जाने का प्रॉमिस किया। सिनेमा थिएटर जाने के लिए अभी टाइम नहीं है रे, बहुत सारा काम बाकी, मैं नहीं आ सकता, समझने की कोशिश कर जान। जब भी मुंह खोलते हो ना ही बोलते हो, कुछ और नहीं आता क्या? नाराज क्यों हो रही मेरी शोना? कमिश्नर साहब के ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाने दो प्लीज। मैं डेटिंग की बात कर रही हूँ, तुम मीटिंग की बात कर रहे हो। डेटिंग है ना, संडे को पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? हमारे एसीपी साहब पहले से मेंटल है, जरा भी अगर मैं लेट हुआ तो मार डालेगा। बकवास बंद करो, नाटक मत करो, मुझे थिएटर तक ड्रॉप कर सकते हो या फिर कांस्टेबल के साथ ही भेज दोगे? थिएटर तक क्या, तुम्हें सीट पर बिठा कर आ जाऊंगा जान, ठीक है ना? अब एक किस दे दो जल्दी से। साथ में मूवी देखोगे तो पक्का दूं। ठीक है, रहने दो, तुम्हारे लिए यही सही है, चलो। सर, सीसीटीवी फुटेज के चारों लोगों को पकड़ कर लाया हूं सर। तेरा नाम क्या है? मिनिस्टर जयदेव,
मेरे पिता हैं। तेरे बाप का नाम नहीं पूछा, तेरा नाम बोल। साकेत। अबे ओ ओले, अबे इस जगह को क्या तूने टॉयलेट समझ रखा है? इधर ही सुसु कर दिया। अरे नारायण। यस सर। इंटरोगेशन खत्म होते होते ही तो ये सुसु करके पूरे पुलिस स्टेशन को गंदा कर देंगे। इतने कमजोर हैं तो क्राइम क्यों किया इन्होंने? क्या नाम है रे तेरा? कामराज सर। टोनी सर। सीधे पॉइंट पर आता हूं मैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा नाम की लड़की को क्यों मारा तुमने? नहीं सर, हमने नहीं मारा सर। सर वो हमारी फ्रेंड थी। अरे चुप। तुझे क्या मैं करीम लग रहा हूँ कि मैं तुझसे वीडियो मांग रहा हूँ? इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी है, 100% तुम लोगों ने मारा उसे, क्योंकि उस रात 12 बजे से पहले तुम में से कोई भी पब से बाहर नहीं आया था। और लड़की ने फोन पर भी बोला था, चार लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। चार लोग बोला था, वो चार हम हैं ऐसा तो नहीं बोला था ना? लेकिन उस वक्त उस लड़की के साथ तुम चारों के अलावा और कोई था भी तो नहीं? सच है कि हम चारों उस वक्त पब में थे, लेकिन जाते समय हम लोग अलग अलग रास्तों पे चले गए थे। कहाँ गए थे बोला? सर उस वक्त मैं पंजाबूटा में था सर। उस वक्त मतलब? मतलब लड़की का एक्सीडेंट उसी टाइम पर हुआ, है तुम्हें कैसे पता? ऐसे बयान देने के लिए पहले से प्रिपेयर होकर आए तुम लोग? सुबह के अखबार में पढ़ा था सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम लोग उस वक्त वहाँ पर नहीं थे, मैं कैसे विश्वास करूँ? उस वक्त मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में था, फोटो भी लिए हमने, चाहिए तो आप देख सकते हैं। सच में सर, हम लोग 12 बजे क्लब से आए, रोड नंबर 12 पर आते ही कार प्रॉब्लम देने लगी। पास में ही मैकेनिक था, उससे कार ठीक करवा कर घर पहुंचते पहुंचते 1 बज गया था। कौन से गैरेज से ठीक करवाई कार? वेंकटेश्वर गैरेज में सर। तुम दोनों की क्या कहानी है, क्या हुआ? खामोश हो मतलब तुम लोगों ने ही मारा लड़की? हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को हमने मारा है सर। हमने गलती की। गलती की? क्या गलती की? अरे डर बिल्कुल मत बेटा, फ्रेंकली बोलना, बोलना क्या हुआ था, बोल बोल। लड़की के पास गए थे। क्या बात है कामा राजू, क्या नाम रख लिया रे, सब बाप का नाम रोशन करते हैं, तू अपना ही नाम रोशन कर रहा। लड़की बहुत अच्छी थी। हाँ सर। कितने बजे गया था? 12:15 सर। एरिया कौन सा? माधवपुर। जुबलिन से माधवपुर जाने के लिए 15 मिनट काफी है, तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लगा रहे? सर होटल में मेन्यू कार्ड देखने के बाद खाना ऑर्डर करने में टाइम लगता है ना। अरे आपने तो कहा कि सब कुछ फ्रेंकली बोलो। माधवपुर। रोड नंबर 14। अपार्टमेंट साइकृपा। फ्लैट नंबर 406। लड़के का नाम कमला। एक्सीडेंट होने से पहले गया था कि बाद में गया? एक्सीडेंट की एक्सीडेंटली गिर गया था सर। सबके चेहरे पर डर नजर आ रहा है, तुझे घबराहट नहीं हो रही है? क्या नाम है रे तेरा? वसी। क्या करता है? राइटर। राइटर मतलब? पिक्चर लिखता है, सीरियल लिखता है, कविताएं लिखता है? नॉवेल्स लिखता हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा लिखता है, मैं एक पॉइंट बोलता हूँ उस पर लिखेगा? ट्राई करूंगा सर। चार लड़के एक लड़की के पीछे पड़े, रेप करने के लिए या मर्डर करने के लिए पता नहीं, लड़की का एक्सीडेंट हुआ और वो मरी पड़ी थी। मर्डर मैं बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ ऐसा वो बोल रहे हैं। इस एक्सीडेंट में वो चारों कैसे बच गए ये कहानी लिख। सामने जो सबूत है उसे ही नहीं मान रहे, और मैं जो सोच कर झूठ लिखूंगा उसे आप मान लेंगे? वैसी बात नहीं है रे, तो कितना बड़ा तोप राइटर है पता लगा रहा था। आप मेरे बारे में कितना जानना चाहते हैं और मैं आपके बारे में कितना जानना चाहता हूँ, ये लॉजिक की बात कर रहे हैं आप? एज अ पुलिस ऑफिसर मैं तुझसे सच्चाई बुलवाने की कोशिश करूंगा, और तू क्या खाक जानेगा मेरे बारे में, मुझसे कैसे छुटकारा पाना ये सोच रहा है? एक साधारण इंसान कोई मर्डर देखे अरे बाप रे बोलता है, अगर वही साधु देखे तो कर्म की बात करता है, डॉक्टर देखे तो बचाने की कोशिश करता है, और आप जैसा पुलिस वाला देखे तो किसी एक को पकड़कर केस को क्लोज करने की कोशिश करता है। बट एज अ राइटर मैं सबके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। कोई कितना भी जाने, फाइनली जीत सच्चाई की होती है। यू आर रॉन्ग सर, न्याय कभी जीतता नहीं, जो जीतता है उसी को न्याय बोलते हैं। वाह बहुत दिमाग है तेरे पास, अब इस केस में बहुत मजा आएगा। नारायण सर, इन सब की डिटेल लिखकर इनको छोड़ दे। ए, लिखो रे। सर वो लड़की जिंदा है लेकिन कोमा में है। हेलो
अगर प्रज्ञा कोमा से बाहर आ गई तो हमारे लिए खतरा बन सकती है। हाँ यार, उसे मारना होगा, लेट करेंगे तो हमारे लिए रिस्की होगा। देखा नहीं कैसी तहकीकात थी हमारी, अभी मारने पर हमारे लिए और भी खतरा हो जाएगा। टाइम देखकर खत्म करेंगे उसे, ओके? नारायण सर, इस लड़के को देखकर तो लगता है जैसे इसका बॉयफ्रेंड है। जी सर। इसको पुलिस स्टेशन बुलवा लो और इसकी सारी डिटेल्स भी निकलवाओ। ओके सर। सर कमला। नमस्ते सर। जरा वो फोटो देना इधर। ये दोनों कल रात तेरे पास आए थे? हाँ आए थे सर। कौन से टाइम पे आए थे? 12:15 को आए थे और 12:30 को लड़की को लेकर अंदर गए थे। 15 मिनट क्या किया? क्या बताऊँ सर, एक लड़की को भी पसंद नहीं कर पा रहे थे। एक राधा बोलता था, एक गीता बोलता था, एक पूजा बोलता था, एक दीपा बोलता था। आखिर में एक लड़की पसंद की और 12:30 बजे अंदर गए सर। इतना परफेक्टली टाइम कैसे बता रही है? इतने सारे लोग आते हैं सर, अब सब कुछ कैसे याद रखूंगी? आप ही बताओ कौन कब आता है। सबको बराबर टाइम बता देती हूँ, अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे बाहर फेंक देती हूँ, इसलिए मुझसे कोई पंगा नहीं लेता। ठीक है, जरूरत पड़ी तो वापस बुला लेंगे, अभी तुम जाओ। सर चिंटू मैकेनिक है। नमस्ते सर। अरे चिंटू, ये तेरे गैराज में आया था क्या? आया था ना सर। कौन से टाइम पे आया था? 12:15 को आया था सर। एकदम सही टाइम कैसे पता तुझे? सर मैं सोया था, कार ठीक करनी है ऐसा बोला, घड़ी उठाकर देखा था 12:12 बज रहे थे। अच्छा ठीक है, तू जा। थैंक यू सर। नारायण सर, लड़की का जहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे 100 मीटर की दूरी पर सिग्नल है। जी सर। सीसीटीवी कैमरा होगा वहाँ पर, उसके फुटेज निकलवाओ। ठीक है सर। बाप रे, कैसा पुलिस वाला था, थोड़ी देर के लिए लगा कि हम सबके सब पकड़े जाएंगे। हाँ यार। और ये तो वहाँ पे सूसू ही क्या डाला। अरे कैलाश, तेरा दिमाग भी कमाल का है। ए, तू एक काम कर, तुम दोनों मिलकर कमला के पास चले जाओ। अरे कौन सी कमला? अरे अपनी रेगुलर कमला यार। ठीक है समझ गया, बाकी सब मुझे छोड़ दे। और साकेत, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे तू इसकी फिक्र मत कर, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। सुन, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग पंजाब बोर्ड के पास वेंकटेश गैराज में जाते हैं, उसे कार रिपेयर करने के लिए लेके आता हूँ। बढ़िया। तेरा आइडिया कमाल का था। मेरे दादाजी बोलते थे टाइम आएगा, आएगा टाइम, लेकिन मैं समझता नहीं था। पता है वो टाइम बदलने से हमारा टाइम बदल जाएगा, सोचा नहीं था। सर मेरा नाम शशि है सर। क्या करते हो तुम? आई एम अ वॉलीबॉल प्लेयर। आपने कहा अर्जेंट, इसलिए मैं बेंगलुरु से यहाँ आ गया। प्रज्ञा के साथ क्या हुआ सर? एक्सीडेंट हुआ, शी इज इन कोमा। कैसे सर? प्रज्ञा को कब से जानते हो तुम? पिछले 2 सालों से जानता हूँ सर। प्यार? हाँ सर, हम 2 महीनों में शादी भी करने वाले थे। ये सब कैसे हो गया सर? प्रज्ञा को अगर तुम 2 साल से जानते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये लोग कौन हैं। पता है सर, ये प्रज्ञा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छे लड़के हैं सर। वेलफेयर एसोसिएशन के लिए इन लड़कों ने कई बार हेल्प की थी सर। क्या रे? ए तू चीटिंग मत कर यार, सच में बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ए मत करना यार। अरे मैंने नहीं, उधर देख। तुझे छोड़ू नहीं, जब देखो मुझे परेशान करती रहती है। क्या कहा तूने? मार मत यार। अरे झगड़ना बंद कर, परेशान कर रही है। परेशान मतलब, हम लोग भी तो तुझे ऐसे ही जलते हैं ना। तेरी तो दूंगा एक खींच के। बकवास मत कर यार। वशी कहाँ पर है? एक नॉवेल लिख रहा है यार, ऊपर टेंशन में बैठा। मुझे उससे एक जरूरी काम है, मैं जाके उससे बात करता। हेलो सर। वशीकरण, आपने जो लाइन भेजी थी बहुत कमाल की है। पूरी स्टोरी कब भेज रहे हैं सर? बस सर, 2 हफ्तों में दे दूंगा। थैंक यू। गेम छोड़ो, चलो यार, जल्दी चल। अरे आजा, चला ना। ठीक है चलो। हेलो शेक्सपियर। हाय प्रज्ञा। हे हाय ब्रो, कैसे हो? व्हाट्स अप? अरे वशी, एक्चुअली प्रज्ञा की फ्रेंड यूएस से आई है और वो ना एक
रिहैबिलिटेशन कैंप में काम कर रही है। इसका मतलब? मतलब कि वो सिगरेट, ड्रग्स ये सब छुड़वाने का काम करती है और वो पेशेंट्स को काउंसलिंग देती है। तो अब करना क्या है? कैंप चलाने में हमें उसे सपोर्ट करना है। ओह नो, बिल्कुल भी नहीं। आज हेल्प के लिए बोल रही हो, फिर वहाँ पर कैंप पर जाने के लिए बोलोगी, फिर शराब सिगरेट सब छोड़ने बोलोगी। मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज चलो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज आई स्वेयर मैं नहीं बोलूंगी। मैं तुम लोगों को कभी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगी। अरे बाप रे, कितना फेंकती है ये। आई स्वेयर, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तू छोड़ देगी? वाटर बॉटल लाने के लिए बोलो तो वाटर बॉटल खरीद के लाती है। हेल्प क्या करनी है? कुछ खास नहीं यार, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लेस चाहिए और कुछ नहीं यार बस। अरे साकेत, हाँ, तेरे बाप से कुछ काम हो सकता है? मैं बात करके देखता हूँ। ऐसा हुआ ना थैंक यू तो उसकी पब्लिसिटी के लिए मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। सुपर यार, रुक जाओ। इस गेम में तुम लोग कभी भी रन आउट हो सकते हो। अगर ऐसी हालत आई तो मैं तुम्हारे लिए कटोरा लेकर भी भीख मांगूंगा। हे हाय, हे हेलो, हाय प्रज्ञो, हेलो। तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? ये कोई स्कूल है क्या जो टाइम पे ही आना है? स्टेला, ये साकेत है, इसने हमें ये लैंड दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इट मींस अ लॉट। हे इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ही इज वासी, द कॉन्सेप्ट डिजाइनर। हाय, हाय, थैंक यू सो मच, योर कॉन्सेप्ट्स आर सो गुड, आई एम टेलिंग यू, सो इंस्पायरिंग। Thank you. Thanks for your compliments. And that's Tony. Hi. Hi. मैं साकेत की तरह प्लेस और वशीकरण की तरह ब्रेन यूज नहीं कर सकता, लेकिन कैंप में कोई मदद चाहिए तो कर सकता हूँ। ये मेरा दोस्त है। Hi. Hi. खाने पीने के अलावा और किसी काम में नहीं आता। That's right. Come, let's go. We'll start the program. Hey Tony, सुन, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तू जरूरत से ज्यादा ही नाटक कर रहा है। अब और करेगा ना तो मैं तेरी टू कर दूंगा, समझा ना? क्या बोला? तुझको टू नहीं पता? अरे यार टू क्या है तेरे टू का लफड़ा? बॉडी बनाने से कुछ नहीं होने वाला, दिमाग चलाया कर। टू मतलब बीप यार, सेंसर कट में होता है ना टू, वो वाला। क्या टाइमिंग है तेरी? तेरी टाइमिंग की तो टू। That's right. Hello, my name is Stella and I'm from California. I'm so excited to be with you guys. Namaste. I really admire India because this country has taught me a lot of self-control and non-violence. Through power of yoga and meditation. One thing I want to share with you guys is that we Americans have developed a lot with this concept of yoga and meditation. Self-control is very important aspect for everyone, because to change your life and to change the concept of each and everyone's life, let's bring back the life with self-control and live with the happiness. So guys, who's ever interested, please write your name and register yourself. मैडम ऑर्डर प्लीज। 5 मिनट प्लीज। ओके मैडम। ये कभी भी टाइम पर नहीं आते। आई हूज दिस? मैं लकी, आपका फैन। लकी अली, हू द हेल, व्हाट डू यू वांट? आई लव यू डार्लिंग। लव यू, स्टूपिड। हाय बेबी, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। देखो ना, कोई पागल अजीब अजीब से मैसेज भेज रहा है। मैसेज करो डार्लिंग। कौन है ये कमीना? मुझे नहीं पता, मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से मैसेज करो। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। शुक्र
बताता हूं। इसकी तो मैं प्रज्ञा प्लीज। बहुत बहुत थैंक्स डार्लिंग, तुमने फोन तो किया। कमीने, हाउ डेयर यू टू डू दैट? कौन है तू? हाँ, एक हफ्ते से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ डार्लिंग। पहली बार देखते ही तुम पे फिदा हो गया था। अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसी सेक्सी फिगर नहीं देखी मैंने। आई वॉन्ट यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं अभी जाकर पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। वो लोग करेंगे तेरी खातिर डार्लिंग। तुम फोन करोगी या नहीं करोगी? तुम्हारे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मैं तुम्हारी फोटो अपलोड कर दूंगा डार्लिंग। वैसे क्या हुआ प्रज्ञा? What happened शशि? मुझे कोई अजीब अजीब से मैसेज करके टॉर्चर कर रहा है। वशि एडिट करके फोटो भेज रहा है वो। तुम्हें पता है वो कौन है? मुझे नहीं पता। उसे कॉल करके स्पीकर ऑन करो। थैंक यू प्रज्ञा, फोन किया तुमने। मेरा नाम तुझे कैसे पता? तुम्हारा नाम ही क्या, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। मुझे टॉर्चर मत करो प्लीज। अरे मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ प्रज्ञा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पहली बार ब्लैक ड्रेस में देखा तभी प्यार हो गया मुझे। ब्लैक ड्रेस मतलब ये पक्का चैरिटी वाले दिन ही आया होगा। मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। तुम बस एक बार मेरे पास आ जाओ, सिर्फ एक बार, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्लीज आ जाओ ना। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पुलिस में कंप्लेन करके तुझे अंदर करवा दूंगी मैं। एक बार पुलिस मेरी हड्डी पसली तोड़ चुकी है। एक महीने तक चल नहीं पाया था मैं। बहुत पहले अपर्णा से प्यार किया था मैंने। अपर्णा से? उस समय अपर्णा बहुत सेक्सी लगती थी। कॉलेज में मैं उसके पीछे कितना पड़ा था तुम्हें पता है? ब्लेड से मैंने हाथ काट लिया था अपना, इतना प्यार करता था मैं उससे। लेकिन उसने मुझसे प्यार नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा कि उसके ऊपर एसिड डाल दूं। लेकिन प्यार करता था ना, इसलिए नहीं डाला एसिड उसके ऊपर। आई एम ए ग्रेट लवर प्रज्ञा। मतलब ये आदमी ड्रग एडिक्ट है। मैंने उससे बहुत कहा शादी के लिए, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसकी शादी कहीं और तय हो गई। मेरा पागल दिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर मैंने उसे जबरदस्ती उठा लिया। YouTube पर शादी के मंत्र चालू कर दिए, सर्व मंगल मांगल्य, ये मंत्र सुना है ना? ये मंत्र सुनकर मैंने रियली में उसे शादी कर ली। अपर्णा बहुत रोई। अब शादी के बाद तो सुहागरात तो मनानी चाहिए ना, तो सुहागरात भी मनाई उससे। बहुत मजा आया। तुम लाइन पर रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगी। उसने भी बोला था कि वो पुलिस में जाएगी। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुझसे शादी की और तू पुलिस के पास जा रही है। ब्लेड निकाला और उसकी गर्दन काट डाली। उसको आने के लिए बोला। ठीक है, आ जाओ। क्यों, अपने दोस्तों से पिटवाओगी क्या मुझे? यही कही है, ढूंढो उसे। बात करो, बात करो, बात करती रहो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर ऐसा क्यों बोला तुमने? फिर मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? कल मिलते हैं। तुम अजीब आदमी हो, कैसे कैसे मैसेज कर रहे हो मुझे। तुझे कितनी बार फोन करना पड़ेगा? कब तक इंतजार करूं? पैसा कब देने वाला तू? कम से कम मेरे सामने तो आओ। अरे यार, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ। अच्छा ये बताओ कि तुम पर विश्वास कैसे करूं, मुझसे मिलो तो सही। अरे पापा, वो मैं बैंक नहीं जा पाया अभी तक। फोन कर दिया। ए, फोन लगाओ वापस। अरे पापा, बोला ना मैं बैंक नहीं जा पाया अभी तक। Ah!
दोबारा ऐसी हरकत की तो चांद से मार देंगे। छोड़ना नहीं इसको। कल कितना बुरा दिन था। हाँ सच में, उसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। Happy birthday. Love you. Today's your birthday. A happy birthday. Thank you, Stella. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Bye. 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 Yeah, we enjoyed a lot. सच में काफी मजा आया। बाय बाय, सी यू। बाय बाय। शशि, तुम बेंगलुरु कब जा रहे हो? आज इवनिंग की फ्लाइट है। और वापस कब आओगे? एक महीने में आ जाऊंगा, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, आई मिस यू। उसके बाद तुम लोग कभी मिले थे क्या? नहीं सर, उसके बाद मैं बेंगलुरु चला गया टूर्नामेंट के लिए। सर लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नथिंग, जस्ट फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, यू मे गो। सर कमला, गैरेज का लड़का। सर इन सब सबूतों से ऐसा लगता है कि उन चारों लड़कों ने कुछ भी नहीं किया होगा सर। जो उन्होंने बोला वो सिर्फ उन्हें ही पता है, उन्हें जो पता नहीं है वो हमें पता लगाना। सर आपने जैसा बोला था वैसे सिग्नल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, 12:35 को कोई लॉरी नहीं गई है सर, लेकिन 12:18 को एक लॉरी गई थी। पकड़े गए कंबख्त लोग, टाइम मैनेज किया उन्होंने। टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं सर? टाइम क्या हुआ? अभी 2 बजे हैं सर। अब कितने बजे? 2:30 सर। सर मेरी घड़ी, अभी घड़ी चल रही है? नहीं सर। टाइम क्या हुआ? 2:30 सर। घड़ी कितने बजे तोड़ी? 2 बजे सर। इन लोगों ने भी वही किया। Been waiting for you, I've been longing for you, love. Come on, let's dance the night away. I've been waiting for you, I've been longing for you, love. Hey, come on, let's dance the night away. Be in your limits. It's so beautiful, it's so magical. It's bahut mushkil hai yaar. I've been dancing all night long. लड़कियों को छेड़ता है, चल निकल यहाँ से। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, आई एम वसी। आई एम सुषमा।
I'll get you a drink. You are my biggest fantasy. Oh, honey, you are my greatest legacy. Shake it up now, y'all. Pump it up now, y'all. Let's party till the end. Cheers. Dance it up now, y'all. Live it up now, y'all. Let's party till the end. I've been dancing all night long and I've been prancing all night long. It's like my journey through the world will never end. Should we come on here? Okay. My sister. हेलो श्रुति, पार्टी में पहुंच गई क्या? डैडी आपके बारे में पूछ रहे थे. स्टार्ट हुई है, मैं पार्टी में ही हूँ. जल्दी आ जाना प्लीज. ओके, पार्टी खत्म होते ही आ जाऊंगी. ओके, बाय बाय. ये कहाँ पर आए हम? किसके घर पर? हाँ? देखो ये तुम्हारा ही घर है. नो, ये मेरा घर नहीं है. अगर मेरा घर होता तो मेरी फोटो, मेरी सिस्टर की फोटो अरे, होती. वो तो दूसरा कमरा है ना. जी, ओ, मेरा सिर फटा जा रहा है. ओह माय गॉड, क्या हो रहा है ये? श्रुति, डैडी को सॉरी बोलना. हाँ, आई एम सॉरी डैडी, अब से मैं लेट नहीं आऊंगी. धोखेबाज कहीं के, तुम आदमी हो या जानवर हो, तुमने मुझे चीट किया है. रिलैक्स बेबी, रिलैक्स. तुम्हें एक बात बताऊं, हनीमून पर मैं एक नॉवेल लिखने वाला हूं. उसमें हीरोइन का नाम जूलिया विलियम्स है. उस लड़की के बारे में लिखते समय मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए रात में कुछ पल तुम्हारे साथ बिताने के बाद हीरोइन का कैरेक्टर मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गया. थैंक्स फॉर योर इंस्पिरेशन. क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी क्या तारीफ करूं, बहुत कमाल था. चाहिए तो वीडियो देख लो. You bloody idiot! मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी. मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगी. बकवास सुनकर, उसके डैडी कौन है पता है? मिनिस्टर हैं. 10 मिनट के अंदर तेरा केस रफा दफा हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा पता है ना तुझे? ए, सुषमा के पास दिमाग नहीं है ऐसा सोच रहे हो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन है श्रुति. कल ही उसे फोन पर देखा था मैंने. कम से कम 14 साल की तो होगी. क्यों? ट्यूशन पर जाते हुए या कॉलेज जाते हुए उसे किडनैप करके, उसे ड्रग्स देकर, फिर उसका रेप करके, उसके बाद क्या होगा उसका पता है ना तुम्हें? वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. फिर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगी और तब वो लोग सुसाइड कर लेंगे, और ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी. आखिर में तुम रहकर क्या करोगी? तुम भी सुसाइड करके मर जाओगी. इसकी जरूरत है? जो सिर्फ तुझसे काम हो सकता है वो तेरी फैमिली तक. क्या बोलती है? इसलिए बोलता हूँ हमारी बात सुनो और जो हुआ उसे अपने दिमाग से निकाल दो. श्रुति, कहाँ पर हो तुम? रात को पार्टी में लेट हो गई थी, फ्रेंड की यहीं सो गई. मैं आ रही हूँ. जल्दी आ जाओ. बाय. जी मैडम. तुम्हारे सर हंस रहे हैं या सीरियस हैं? सीरियस है मैडम. उनकी शक्ल ही ऐसी है. ओके सर, थैंक यू. ओ, 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 ओ.
अटैक कर रहे हो? मैं यहाँ कब से आई हूँ? ठीक से बैठ, ये पुलिस स्टेशन है, पब्लिक गार्डन नहीं है। कितनी बार बोला कि इधर मत आना? आऊंगी, रोज यहाँ आऊंगी। ये मेरे होने वाले पति का पुलिस स्टेशन है। ठीक है, अब ये बताओ क्यों आई? कल रात को कितने कॉल्स के जवाब क्यों नहीं दिया? अरे एक बहुत ही सीरियस केस में बिजी हूँ। वहाँ पर मेरे पिताजी भी ना मेरी शादी की बात में बहुत बिजी हैं। NRI से बात की, डॉक्टर से बात की, मिनिस्टर से बात की, बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। इतने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं तो मेरे पास क्यों आई हो? मेरी किस्मत खराब थी इसलिए तुमसे प्यार कर लिया। क्रिमिनल से ज्यादा तो मुझे ही पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या हुआ रे? देख लो, मैं अपना मैटर अपने घर में ही भुलाई हूँ। कितनी मुश्किल से मैंने अपने पापा को शादी के लिए मनाया है। उन्होंने कहा इस संडे किसी भी तरह ले आओ। संडे? नो, बहुत बिजी हूँ। बिजी है ना, तो बिजी ही रहना। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा ना अपनी ड्यूटी से प्यार है। मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ और तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरे डैडी जिन लोगों से बात कर रहे हैं ना, उनमें से एक से शादी करके चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। मेरी अम्मा, तोपों की कहानी बंद करो। संडे ना? हाँ। आ जाऊंगा। सच में आओगे ना? आ जाऊंगा, बोला ना। यू सो स्वीट, कितने प्यारे हो। आई लव यू सो मच। प्रज्ञा तो ऑलरेडी कोमा में है, तो उसे मारने का रिस्क क्यों ले रहे हैं? हाँ यार, नायक साहब को तो पहले ही हम पे ज्यादा शक है। एक के लिए चार का मरना जरूरी है। उसे नहीं मारेंगे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। रिस्क है पर करना पड़ेगा। कौन है आप लोग? प्रज्ञा को देखने आए हैं हम लोग। ठीक है, पर ज्यादा शोर मत मचाना। अभी तबीयत कैसी है इसकी? सर पर भारी चोट की वजह से कोमा में चली गई है। कोमा से कब बाहर आएंगी कुछ कह नहीं सकते। सिस्टर, हम प्रज्ञा के बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ऐसे कंडीशन में हमें बताने के लिए इस नंबर पर फोन कीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। और दूसरा वाला कैमरा देखा? अरे हाँ, सुन लिया। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। सर हाँ, जरा यहां देखिए सर, ये लड़की पुलिस को कुछ बताने की बात कर रही है। जूम करो। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, कैसे भी पुलिस को बताऊंगी। पुलिस को बताऊंगी। पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। नारायण सर, लाओ उन सबको वापस। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस को बताऊंगी। क्या रे, परेशान हो रहे तुम लोग? हाँ सुन लो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, और ज्यादा खराब मत करना। अरे वहां पर क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट बोलो। उसने कॉल करके हमें क्लब में आने के लिए बोला। हम चारों ही फिर वहां मिलकर गए। बाद में हम लोग से वहां बातें कर रहे थे और पी रहे थे, लेकिन उस बीच में ही वो वहां से उठकर चली गई सर। हाँ सर, बहुत पीती थी। जब हमने उसे रोका तो हम पर भड़कने लगी। खूब शराब पी उसने सर। हाँ सर। उस लड़की का चेहरा देखो जरा, डर नजर आ रहा उस पर। चाकू दिखाकर डराया था उसे। मैं बिल पास कराने के लिए बहुत चर्चा हुई। सर SCP, कौन है रे वो नायक? बहुत नाटक कर रहा है वो। मेरे बेटे को कैसे पकड़ा उसने? अब तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। 10 मिनट के अंदर मेरा बेटा मेरे घर पर वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो तेरी नौकरी गई। सर वो किसी की बात नहीं सुनता। उस नायक को जल्दी से ऑफिस में बुलाओ। ओके सर। ये क्या है सर, सच बोल रहा हूँ फिर भी मार रहे हैं। मार रहा हूँ। देख इधर। कैसे भी करके पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। सुन जरा, ऐसा क्लियरली बोल रही वो, और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया और क्या करने वाले थे साफ बता दो, वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बोला ना सर, उस बारे में हमें कुछ नहीं पता। अरे किसी ने कुछ किया होगा, हमारे सिर पर क्यों डाल रहे हैं? ए सुन, मेरा BP मत बढ़ा। 12 बजे के बाद तुम लोगों के अलावा वहां से कोई नहीं निकला था। जबरदस्ती आप बुलवाएंगे क्या हमसे? जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के तुम्हारे मुंह से बुलवाऊंगा। नारायण। यस सर। ये ऐसे नहीं बताएंगे, जरा इनको दिखाओ कि पुलिस खातिरदारी कैसे करती है। यस सर। सर ACP सर। सर ए नायक, कम टू माय ऑफिस इमीडिएटली। आ रहा हूं सर।
मैं एसीपी के ऑफिस जाकर आता हूँ। मेरे आने से पहले इन लोगों ने सच उगल देना चाहिए। ओके सर। कब आएगा वो? अरे उसे फोन करो ना। आता ही होगा सर, मैं बात करता हूँ। मिनिस्टर साहब के बेटे को क्यों अरेस्ट किया? सेवन डाइट पब के सामने जो एक्सीडेंट हुआ उसके शक में इसलिए लाया सर। वो तो एक्सीडेंट केस है ना? एक्सीडेंट नहीं सर, लड़के ने फोन पर बोला था कि चार लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी ये चारों शक के दायरे में आ रहे हैं सर। वो लोग शक के घेरे में, ऐसा तुम्हारा मानना है? साकेत मिनिस्टर का बेटा है, मालूम नहीं है क्या? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या और मिनिस्टर साहब क्या? सबके लिए सेम रूल। तू मेरे सामने रूल की बात करेगा? रूल पब्लिक के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। प्लीज सर बैठ जाइए सर, मैं बात करता हूँ सर इससे। प्लीज को अगर पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले इसको समझाओ। प्लीज नायक इधर आ। तू देख नायक, तू कितना ईमानदार ऑफिसर है मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है। चारों को लेके आया था तभी मुझे शक हो गया था, कुछ न कुछ इन लोगों ने जरूर किया होगा, लेकिन उन चारों में से एक मिनिस्टर का बेटा है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हारे जैसे सिंसियर ऑफिसर को खोना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरता सर। नायक पागलों जैसी बातें मत करो, उन चारों को अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कठोर कार्यवाही होगी। सॉरी सर, ये मेरे एरिया का केस है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ए एसीपी, अगर ये किसी की नहीं सुनेगा तो ट्रांसफर कर दो इसका, और अभी के अभी फोन करवा के हमारे बच्चों को छोड़ने को बोलो, समझ में आया? सोचा तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। दिस इज योर ट्रांसफर ऑर्डर, स्टेशन पे फोन करके बोल दो उन चारों को छोड़ने के लिए। ओके सर। हाँ बोलिए सर। अरे चार फिल्में क्या नारायण, 50 फिल्में भी देशभक्ति पे आ गई तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी कॉलर ट्यून चेंज कर दो। क्या हुआ सर? क्या होना था, छोड़ दो उन चारों को। क्यों सर? ड्यूटी सही साइड की ना हम लोगों ने, सम्मान में हमें ट्रांसफर ऑर्डर मिला है, हमें क्या पड़ी, उन्हें जो करना है करने दो, लोग उन्हें गालियां बके तो बकने दो। अरे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, हम भी सुनेंगे उनके साथ गालियां और एंजॉय करेंगे। अरे ये समाज कहीं भी जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, जो भी होना लड़कियों के साथ होने दो। अरे जिन्हें शर्म है वो लोग सोचेंगे उसके बारे में। नारायण एक्सीडेंट लिखकर इस केस को क्लोज कर दो, सुन लिया ना? ओके सर। पानी लेकर आ। अच्छो अच्छो को पानी पिलाया है तो तुझे नहीं पिलाऊंगा क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हर टाइम मजाक करती रहती हो, चल निकला ऐसे। सर चलो अब। हो गया ना, हो गई इच्छा पूरी, चलो बदल। तुम ऐसा ही करते हो, मैं कितने प्यार से तुमसे मिलने के लिए यहाँ आती हूँ और तुम मुझे हमेशा रुला कर ही भेजते हो, मैं नहीं आऊंगी, जाओ। अरे ट्रांसफर हो गया उसी का फ्रस्ट्रेशन था, समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी। कुछ भी बोल दो फिर सॉरी कह दो, ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है, मुझे नहीं आना। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। मैं चलता हूँ। छोड़ो, क्या करो? Cheers for nice transfer.
अच्छा हुआ वो मनहूस नायक चला गया। क्यों, केस तो क्लोज हो गया ना? यार आखिर में हम बच गए। केस तो क्लोज हो गया ना, अब इतना टेंशन में क्यों है? केस ही क्लोज हुआ है, प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा कोमा से बाहर आ गई तो पिछला जितना मैटर है ना सब बाहर आ जाएगा। अरे यार प्रज्ञा कितनी देर हो गई, जाके उसको बुला के लेके आना जाना, टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। हम लोग साइड में ले जाने के लिए बोले, तू अंदर लेके जा रही है, कुछ करने वाली है क्या? तेरी तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम्हें कब से बुला रहा था, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। फ्रेंड्स के सामने कैसे आऊं, तुम भी समझने की कोशिश नहीं करते। ओके इट्स ओके, ओके कूल। अरे साकेत स्टफ दे यार। अरे क्या बोल रहा है, वो लोग सामने बैठे हैं। अरे कुछ भी नहीं होने वाला, घर के पीछे जाकर एक एक करके ले लेंगे। अरे वो पैकेट टोनी के पास ही है। ए टोनी पैकेट दे। यार मुझे डाउट हो रहा है, कहीं पीछे तो नहीं चला गया? अरे किस बात का डाउट यार, कहीं तो नहीं गया, बाथरूम को गया है। ला मुझे दे। अरे डार्लिंग इतने रोमांटिक मूड में तुम्हें पीने की पड़ी हुई। और क्या करूं, 2 महीने में हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद ये सब नहीं रहेगा ना। हाँ अच्छा ये बताओ हनीमून के लिए हम कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड जाएंगे। Hey, hi. Hey, hi. Hello. We had a good time. Just a minute. Yeah, no problem. 1 minute. Stella, she's hot. मुझे ये चाहिए यार। She's damn sexy और ये मुझे कब मिलेगी? मेरा दिल से चाहता है, इसके साथ enjoy करना चाहता है। अब तक हम लोगों ने कितनों के साथ enjoy किया होगा, लेकिन इसे देखने के बाद एक बार इसके साथ enjoy करने का दिल कर रहा है यार। आज मुझे ड्रग की औकात पता चल गई यार, इसे टेस्ट करेंगे ना तो ड्रग से ज्यादा किक देगी। मुझे ये सपना ठीक नहीं लग रहा है, स्टेला फॉरेन सिटीजन है यार, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो पुलिस वाले हमें छोड़ेंगे नहीं यार। मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया, डोंट वरी। Hello. Hi, Stella. Hi, Fussy. Are you busy? Nothing much. Tell me. Shall we meet up? Yeah, sure. If you don't mind, can you come to my place? Okay, no problem. Thank you. Hi, Fussy. Hi, Stella. Come, come. Are you leaving? No, yaar. My God, what happened to your hand? I fell in the washroom. You should be careful. Sometime it happens, yaar. Did you go to the hospital? I don't have time, Stella. A lot of writing work is pending here. I have to hand over the novel by tomorrow evening. Oh. If you don't mind, can you write it for me? Yeah, sure. Thank you. No problem. What is this story about? It's a thriller story. Already 80% is over. I will tell the whole story later. Let me tell you the scene from the beginning. So you will have an idea. The heroine of the novel, Ramya, was a drug addict. One day, when Suraj comes to know about it, he gets so frustrated that he plans to kill Ramya. Ramya comes to know that Suraj has come to know about her drug addiction. Now you start writing. Okay. In the fear of losing her love,
She decides to commit suicide. She thought to keep her feelings on the paper. Ramya immediately took a pen and started writing. I tried hard to get over the drug addiction by diverting my mind. But I am in vain. I think people around me will get to know about my drug addiction and they will start talking about my family in a horrible way. Since I don't want this, I am committing suicide. She placed the suicide letter on the table. Ramya stays on a 10-story building and jumped off from there. Finished? Yes. Thank you so much. You're most welcome. Wait, I'll get you something to eat. Yes, yes. Okay, see you tomorrow. Bye. I'm so sorry. Okay, I'm so sorry. Bye. Bye. हेलो हेलो मिस्टर वशी, स्टोरी अभी तक आपने दी नहीं, कब तक देंगे? सर, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उससे भी ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं सर। उसी काम में हूँ सर, एक हफ्ते में दे दूंगा आपको सर। देखिएगा, अब हमारी नॉवेल हिट होने वाली है। ओह एक्साइटिंग, विल मीट अप सून। थैंक यू। Hi, sweetheart. How are you? Hi, Dad. When are you boarding the flight? At 11, Dad. Okay. The appointment for tomorrow is 10:30. Of course, for your social service. You know, check has been given for 10 lakhs instead of 5. Oh, wow. That's great. Yeah. Oh, I have also packed all the pictures and videos of my camp. Great idea. But don't forget. Oh, not at all, Dad. In fact, just now I have kept all in my bags. You know, Dad? Oh, that's fine. Fantastic, fantastic. Okay, Dad, someone is here. I will call you later. Bye, take care. See you. Okay, sweetheart. Okay, yeah, bye. Come in. Hi, Stella. Hi, Stella. Hi. How are you? Good, good. How are you? So, why are you guys here so suddenly? I have a great news for you, you know? Great news? Yeah. So, what's that great news? Surprise. Surprise? Please tell me, what is this? Arre, thoda wait karo, aaram se batayenge. Please, please tell me. Hey, first bring the glasses, Stella. Glasses? Yeah. Yeah, what you heard is right. Go, please get the glasses. Okay. लगता है ये स्टेला के डैडी है। या सो नाउ टेल मी व्हाट इज द सरप्राइज। हे शैंपेन। या ओके बट व्हाई? माय नॉवेल इज गेटिंग पब्लिश्ड। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, सीरियसली। तुमने उस वक्त मेरी हेल्प की थी, इसलिए मेरी नॉवेल पब्लिश हो रही है। दैट्स व्हाई अ स्मॉल ट्रीट। No, no. It's a non-alcoholic drink. Okay. Oh,
अरे ये तो मर गई यार। अरे ऐसे कैसे मर सकती है, ठीक से देख। यार मैंने पहले ही बोला था ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस हमें छोड़ेगी, नहीं हो गई ना गड़बड़। अरे मुंह बंद कर, नहीं तो सच में हम लोग पकड़े जाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो चलते हैं। अरे इसको रोको, चुप जा। अरे तू रुक ना, हट जा, चुप, शांत हो जा तू पहले। वो गड़बड़, तू इतना डर क्यों रहा है, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, समझ। अरे तू टेंशन मत ले। अरे तू डर क्यों रहा है, प्लान पता है ना तुझे, लेकिन फिर भी क्या यार, यहाँ से चलते है ना, देख वो मर गए, चल चलते यार, पागल हो गया। हे, देख वो थोड़ा हिल रही है। No, no, don't this, please. अरे कहीं हंगामा ना कर दे। Don't do this to me, please. अभी नहीं करेगी। Please. और ड्रग्स देता हूँ। No. बशी. लगता है ये मर गई, लगता है ओवरडोज हो गया। ला 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 ला। स्टेला प्लीज दरवाजा खोल, इतनी जल्दी सो गई क्या? स्टेला प्लीज दरवाजा खोल ना, स्टेला प्लीज ओपन द डोर, स्टेला प्लीज। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? माजू हटना, अंदर जाने दे। रुको स्टेला, अब तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है, चलो ड्रिंक लेते हैं, चलो। नहीं नहीं, हमें कुछ काम है। ओके ठीक है, तुम लोग जाओ, मुझे स्टेला कंपनी देगी। स्टेला 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 वो बाहर गई है, हेडेक हुआ, वो सो रही है। सो गई है, डिस्टर्ब मत करो। मैं जा रही हूँ, स्टेला बाय। हे, स्टेला को देख लियो, को मार डालते हैं। मारने पर सुसाइड लगना चाहिए, मर्डर नहीं। चलो सब आ जाओ। प्रज्ञा जल्दी खोल, प्रज्ञा अगल बगल वाले जाग गए। चलो 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 आ गया। कहीं प्रज्ञा को पता ना चल गया और वो पुलिस को बता देगी तो? उसका कोई चांस नहीं, प्रज्ञा की बात अलग रहने दे। इसका नशा उतरने से पहले इसे मार डालते हैं। स्टेला की बॉडी को शहर से बाहर दूर ले जाकर फेंक देते हैं, मिसिंग केस में जाएगी। आ जाओ सब।
प्रज्ञा। हाय टोनी, क्या बात है आज इतनी सुबह सुबह? क्या ये क्या कर रही है? अंकल कमिंग। प्रज्ञा, we have to go, we are late already. Guys, सही टाइम पर आए हो। आओ मैं तुम्हें अंकल से मिलवाती हूँ। आओ। By the way, he is Mrs. Steven, Stella's father. Hello. Hi, Mr. Nice to meet you. Uncle, ये मेरे friends हैं और Stella के भी। Hi. Hello. Hello, sir. वैसे कल पूरी रात Stella का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था, इसलिए अंकल बहुत डरे हुए हैं। उसने तुम लोगों को कॉल किया था क्या? नहीं तो, नहीं किया। लगता है इसे कुछ याद नहीं है। एक बार इससे पूछते हैं। तुम कल रात स्टेला से नहीं मिली क्या? कल मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, फुल टू हो गई थी। घर पर कैसे आई वो भी मुझे याद नहीं है, पता? What's the matter, uncle? उसने बताया था उसकी फ्लाइट रात 12 बजे है, तो रात 12 बजे तक मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था। काफी समय हो गया था पर वो वहां नहीं आई। मैं उस समय बहुत चिंतित हो गया था। मैंने उसको कई बार फोन किया लेकिन उसका नंबर रीचेबल नहीं था, इसलिए मैं हैदराबाद आया। मुझे उसके बारे में बहुत चिंता हो रही। अंकल, यू डोंट वरी अंकल, हम स्टेला को ढूंढ लेंगे। इसे घर पर मारना था लेकिन ये गोरा बीच में आ गया, फिर उसने पब में लाकर मारने का मौका दिया। चार पैक चढ़ने के बाद उसे सब याद आ गया। बाद में उसे डरा धमका कर मैनेज करने की कोशिश की, वहां से भी चकमा देकर भाग गई। ट्रक से टक्कर खाकर वो कोमा में चली गई। ए, ऑलरेडी एक बार वो बच चुकी है, इस बार वो किसी तरह बचनी नहीं चाहिए। Myself SI इब्राहिम, ये हमारा राइटर सुब्बा राव। सर, प्लीज सिट डाउन सर। नो, आई डोंट वांट टू सिट डाउन। यू आर टेलिंग मी एज टू यू हैव नो नॉलेज अबाउट माय डॉटर। यू नो माय फैमिली पीपल आर सो वरीड। माय वाइफ, शी कॉल्स मी एवरी सिंगल डे। यू टेल मी व्हाट डू आई टेल हर एंड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड। सर, पता चलते आपको इन्फॉर्म कर देंगे। व्हाट द हेल, 3 दिन हो गए मुझे कंप्लेन किए हुए, आप कुछ नहीं कर रहे। इरेस्पॉन्सिबल, हर रोज मैं कंप्लेन करता हूँ, नॉट इवन अ सिंगल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आपका ड्यूटी है कि आप मुझे कॉल बैक करें। मेरी बेटी कब वापस आएगी? आपको पैसे चाहिए, रिश्वत चाहिए, कितने पैसे चाहिए बोलिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पता चलते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आई गेव यू ऑल द डिटेल्स, आई कांट गिव यू एनी मोर। सर नो, अब मैं आपके कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए और वो अभी चाहिए। मुझे आपका इंस्पेक्टर से मिलना है। कहाँ है आपका इंस्पेक्टर? कहाँ है वो इंस्पेक्टर? बुलाइए उसे अभी। Excuse me, sir. I'm Inspector Nayak. हुआ क्या था ये बताइए शुरू से। सर, माय नेम इज स्टीवन, आई केम टू मुंबई फ्रॉम कैलिफोर्निया फॉर माय डॉटर स्टेला। हम इंडिया से प्यार करते हैं, हम यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं, यहाँ के कल्चर से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ चैरिटी ट्रस्ट चालू की है। सर, मैं मुंबई में रहता हूँ पर मेरी बेटी स्टेला यहाँ हैदराबाद में। फॉर द लास्ट 3 डेज आई हैवंट हर्ड अ सिंगल वर्ड फ्रॉम माय डॉटर। मैं बहुत चिंतित हूँ। आपकी उससे आखिरी बात कब हुई थी? ऑन द 6th अराउंड 5 PM वो हैदराबाद से मुंबई आने वाली थी लेकिन वो फ्लाइट पर चढ़ी ही नहीं। शी सेड शी विल कॉल मी बिफोर शी बोर्ड्स द फ्लाइट, पर उसका कॉल नहीं आया। एक बात और, उसने बताया था उसके घर में कोई आया है, उसने कहा था वो बाद में कॉल करेगी। सर, मुझे लगता है उसके साथ कुछ हो गया है। सर, I tried to call her up, but her phone was locked. Please, आप चिंतित मत होइए, पानी पीजिए। उसने कहा था कोई आया था, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कोई कौन था? No sir. आपको किसी पर शक है? No sir. Okay, आपने अपनी बेटी की डिटेल्स दी हैं? Yes, सारी डिटेल्स दे दी है। इब्राहिम, सर, स्टेला की फाइल लेके आना। Okay sir. हमने सारी इंक्वायरी की है सर, लेकिन कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर। ये तो प्रज्ञा के घर का एड्रेस जैसा लगता है। सर, नारायण, एक बार प्रज्ञा का एड्रेस बोलना जरा। 1 मिनट सर। हाउस नंबर 468, महादेव टावर, रोड नंबर 87, जुबली हिल्स। ओके ओके सर, आपकी बेटी को 24 घंटों में ढूंढ कर रहूंगा। इट्स माय वर्ड। थैंक यू सो मच।
स्टेला लापता हुई है 6 तारीख को, प्रज्ञा का एक्सीडेंट हुआ 7 को। प्रज्ञा ने फोन पर बोला था 4 लोग उसे मारना चाहते हैं। इन चारों का मेन पॉइंट है न्यू लाइफ चैरिटी। प्रज्ञा और स्टेला के ये म्यूचुअल फ्रेंड्स थे वो चारों, मतलब स्टेला के मिसिंग का प्रज्ञा के एक्सीडेंट से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। इब्राहिम सर, स्टेला की 6 तारीख की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स मंगवाओ। ओके सर। सर, स्टेला का कॉल रिकॉर्डिंग आ गया है। Hi, sweetheart. How are you? Hi, Dad. When are you boarding the flight? At 11, Dad. Okay. The appointment for tomorrow is 10:30. And yes, it's for the social service you did. You know, check has been given for 10 lakhs instead of 5. Oh, wow. That's great. Yeah. Oh, I have also packed all the pictures and videos of my camp. Great idea. But don't forget. Oh, not at all, Dad. In fact, just now I have kept all in my bags. You know, Dad? Oh, that's fine. Fantastic, fantastic. Okay, Dad, someone is here. I will call you later. Bye, take care. See you. Okay, sweetheart. Okay, yeah, bye. कुरियर, आपका कुरियर है। सर ये पार्सल। 6 तारीख को 5 बजे उसे मुंबई जाना था और 9 बजे किसी का फोन आया था। अगर फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी तो उसे रात को 1 बजे ही घर से निकलना चाहिए था। और उसने अपने पापा को बताया कि कोई आया है। किसी के आने का कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। सर पिज्जा बिल। हाँ। शाम के 8 बजे किसी ने पिज्जा डिलीवर कराया था 6 तारीख को। 6 तारीख को शाम 8 बजे तूने किसी फॉरेनर लड़की को पिज्जा डिलीवर किया था? हाँ सर, किया तो था। उस वक्त उस लड़की के चेहरे पर कोई टेंशन या डर था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैडम ने मुस्कुराते हुए पिज्जा लिया और टिप भी दिया था मुझे। उस टाइम उसके अलावा वहां कोई और भी था क्या? नहीं सर, मैडम अकेली थी, कोई नहीं था वहां। तेरे पिज्जा डिलीवरी करने के बाद वहां से जाते समय तुझे कुछ संदेहजनक दिखा क्या? नहीं सर। ठीक है, तू जा। सर हाँ? सर सर, मुझे कुछ याद आया सर। उस दिन 3 या 4 लोग बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए देखे थे सर मुझे। उन्हें देखकर पहचान सकता था? नहीं सर, उन लोगों को पीछे से देखा था मैंने। ठीक है, तू जा बेटा। हेलो सर, शहर के बाहर स्टेला की बॉडी मिली है सर। ओके, मैं आ रहा हूँ। Hey, चलो पीछे रहो, पीछे चलो। बोला ना पीछे चलो, चलो पीछे। I tried a lot to get over the drug addiction by diverting my mind, but I am in vain. I think people around me will get to know about my drug addiction and they start talking about my family in a horrible way. Since I don't want this, I am committing suicide. Oh my God! Sir, please, please wait, sir. Is she my Stella? Is this your daughter's handwriting? Yes, yes, it is. Constable? Yes, sir. Stella! My lovely daughter, Stella! I can't believe this. किसी ने मेरी बेटी का मर्डर किया है, I'm sure.
सर प्लीज। सर मेरी बेटी ड्रग्स नहीं लेती थी। सर यू मस्ट बिलीव मी, वो ड्रग्स के लिए लड़ती थी और सच्चाई के लिए लड़ती थी। ट्रूथ को कौन मार सकता है? सर आपकी बेटी की गई जान को मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन सच्चाई को मैं सामने लाकर रहूंगा। बिलीव मी। माय डॉटर स्टेला। एक बात है। यस सर। अगर उस लड़की को सुसाइड ही करनी थी तो घर पे करती, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी उसे? उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स और उस पिज्जा बॉय के बयान के मुताबिक स्टेला को किसी ने ड्रग्स देखकर यहां लाकर फेंक दिया होगा, इसलिए हमें उन ड्रग्स वालों को कैसे भी ढूंढना ही होगा। पता लगाना ये वशीकरण वाली गैंग तो नहीं है। ओके सर। इनमें से कोई तुम्हारे पास ड्रग्स खरीदने आया था क्या? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं आया। ठीक से देखो, बोलो। मुझे नहीं पता, बोलो। मुझे नहीं पता, पता। मुझे नहीं पता, पता। सर, मुझे नहीं पता। मैं माँ की कसम खाता हूँ सर, मुझे नहीं पता। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उस लड़की पर कोई रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ था सर, उसकी डेथ नॉर्मल हुई है ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। सारे ड्रग वालों की इंक्वायरी की है, वशी या उनमें से कोई नहीं आया था। बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट विनर्स वशी एंड स्टेला। ये मंत्रा शॉपिंग मॉल का है क्या? हाँ वही है सर। ये बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट का है क्या? पता करो कि ये कॉन्टेस्ट कब हुआ था और सारा सीसीटीवी फुटेज मिला। नमस्ते सर। सीसीटीवी कैमरा रूम किधर है? उस तरफ सर। हाय स्टेला। हाय वशी। हाय। हाय गाइस, सरप्राइज। हाउ कम यू हियर? केम फॉर शॉपिंग। कम, लेट्स गो। मैम प्लीज डोनेट फॉर आवर चैरिटी। यस श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू। मैम वी आर कंडक्टिंग बेस्ट कपल कॉन्टेस्ट, मैडम प्लीज पार्टिसिपेट। या आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, क्या तुम लोग भी हिस्सा लोगे? ओके, लेट्स वेलकम स्टेला एंड वशी। इब्राहिम, ये चारों 5 तारीख को मंत्रा हॉल में थे। वर्षी को फोन करके पूछते हैं क्या कहानी बोलता है। क्या हॉट है यार, सच में। हमारे घर के बाजू में नहीं आई है, सब कुछ सेट कर दिया है, ऑलमोस्ट पागल हो गई है। हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है। सुपर फिगर है यार, सेट करो। हेलो, स्टेला नाम की लड़की को जानता है तू क्या? हाँ जानता हूँ। कभी मिला उससे? अब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। न्यू लाइफ चैरिटी ओपनिंग के दौरान मिला। और उसके बाद फिर कभी? उसके बाद तो कभी नहीं मिला उससे। ओके इब्राहिम, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरा शक सही निकला, 5 दिन पहले ही शॉपिंग मॉल में मिले थे और मुझसे झूठ बोल रहा है। जरा खींच के लेकर आओ ना इधर। यस सर। किसका था फोन यार? नायक का। नायक का? क्या यार, नायक का नाम सुनते ही सुसू निकल जाती है। शिट, वो प्रज्ञा मरती नहीं और ये नायक हमको छोड़ेगा नहीं। प्रज्ञा के बारे में नहीं पूछ रहा था, स्टेला के बारे में। स्टेला के बारे में? सब कुछ तो करेक्टली मैनेज कर दिया था यार। टेंशन में लग रहा, दिल की धड़कनें रुक जाएगी। हमारी फ्रेंड प्रज्ञा की क्या हालत है इस समय? अभी तक कोमा में ही है सर। ओके, नथिंग टू वरी यार, अभी भी वो कोमा में ही है, रिलैक्स। सर आप हमें क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहा हूँ? क्यों मार रहा हूँ मैं? हाँ, इतना सब कुछ करके नाटक कर रहा है जैसे तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तुम लोगों का खेल खत्म हो गया, अब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। तुम लोग क्या काम से? अब देखता हूँ कैसे बाहर। पर हुआ क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं सर? अच्छा दरअसल हुआ क्या था, दरअसल हुआ क्या था ये जानना है? इधर आ बे, ये देख।
स्टेला से मिले एक महीना हो गया क्यों? फिर ये 5 तारीख को मंत्रा शॉपिंग मॉल में किसके साथ था तू? उसके साथ डांस करके फोटो भी खींचा क्यों? और मुझसे बोला कि नहीं मिला? ए, शराफत से बोल रहा हूँ मैं, कबूल कर लो कि इस लड़के को तुमने मारा, नहीं तो एक एक के थोपड़े तोड़ के रख दूंगा। जैसे प्रज्ञा केस में फंसा रहे थे वैसे ही हमें स्टेला केस में भी फंसा रहे हैं। फंसाने की बात क्या कर रहे? मेरे पास सारे सबूत हैं। तुम उस दिन सब लोग मिलकर स्टेला के घर पे गए थे याद है? फिर उसे ड्रग्स देकर उसका रेप करने की कोशिश की तुम लोगों ने, और वो मानी नहीं तो उसे मार डाला तुमने। और ये सोच करके प्रज्ञा को भी सब पता चल जाएगा, तुमने अपनी दोस्त प्रज्ञा को भी नहीं छोड़ा। सर आपके पास सबूत तो होना चाहिए ना, आप क्रिएट क्यों कर रहे हैं? वो लड़की हमारी दोस्त थी, हम क्यों उसे मारेंगे? तुमने नहीं मारा उसे, और सेला की बॉडी को भी शहर से बाहर फेंका है तुम लोग। हम लोगों ने ये बड़ा मासूम चेहरा मत बना अपना। तूने उस समय जो बयान दिया था ना उससे मुझे शक हो गया था, तभी मुझे लगा कि तू चिल्लर आदमी है, चिल्लर आदमी है। सर यह बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी बात करनी है हमारा एडवोकेट आकर करेगा। सुन तेरे एडवोकेट की ऐसी की तैसी, बोल उसे आने के लिए, और अपने बाप को भी बोल। बड़ी मासूम शक्ल बनाता तू, हाँ उस दिन तुझे देख कर ही मुझे शक हो गया। क्यों रे बहुत होशियार बनता? हाँ क्यों ऐसे पी? देखा ना वीडियो? देखा वीडियो? अभी इस मैटर को खत्म करो। ओके सर। अच्छा तो अपने बाप को मैसेज कर दिया? हाँ चल। बोलो एसीपी। सर उसे बहुत चर्बी हो गई है, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है सर। ट्रांसफर के बाद भी उसे अकल नहीं आई है। इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा? हाँ इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नायब, नायब पागल हो गया क्या? इसे ऐसे क्यों मार रहा है? आपका प्रॉब्लम क्या है सर? आप इन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बचाने की नहीं, तुम्हारे पास सबूत नहीं है ये बात मुझे पता है। है सबूत तो दिखाओ। सबूत के लिए तो इनका इंट्रोगेशन कर रहा हूँ सर। इंट्रोगेशन? इंट्रोगेशन करने का तरीका यही है क्या? 5 सालों की सर्विस से तुमने यही सीखा है? बोलो सर। सच्चाई निकलवाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मतलब मारपीट करके सच्चाई उगलवाओगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उस लड़की का मर्डर किया है। हम तुमसे आर्गुमेंट करने नहीं आए हैं, इन लोगों को ले जाने के लिए आए हैं। इन्हें छोड़ दो। सर आप पब्लिक की सर्विस कर रहे हैं या फिर इस मिनिस्टर की सर्विस कर रहे हैं? इतनी देर से मैं चुप बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। जल्दी से इन सबको छोड़ दे। कान खोल कर सुन ले, आज अगर तेरे माँ बाप भी आ गए ना तो भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे पता है कि तुझे कैसे ठीक करना है। बोलो जयदेव। नायक ने मेरे बेटे और उसके दोस्तों को लॉकअप में डाल दिया है, उससे कहिए कि इन सबको छोड़ दे। होम मिनिस्टर साहब लाइन पर हैं। सर छोड़ दो उनको। सर मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या उनकी गुनाहगारी का? इंट्रोगेशन उसी के लिए कर रहा हूँ सर। सबूत है या नहीं? नहीं सर। नहीं है तो उन्हें तुरंत छोड़ दो, सबूत मिले फिर एक्शन लेना। सर चलो। चल सर कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? क्यों ले जा रहे हैं? छोड़िए सर मुझे। क्यों रे बांगड़ू, चेहरे से तो तू बहुत भोला वाला लगता है, इन लफंगों की संगत में तू भी इनके जैसा हो गया। सारी सच्चाई बता दे मैं तुझे छोड़ दूंगा। सर मम्मी के सब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। सर इसे कितना ही मारिए पीटिए कुछ नहीं बताएगा। बिल्कुल सही है, घर के दामाद की तरह ट्रीटमेंट करोगे तो कैसे बताएगा। नीचे ले जाओ, खातिरदारी करो, अपने आप सब उगल देगा ये। चल चल बता बता कौन कौन है तेरी गैंग में, बता।
सर सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ सर। चला बता। हम चारों उस रात स्टेला के साथ गलत काम करना चाहते थे सर। बुक पब्लिश होने का बहाना बनाकर हम पार्टी के लिए उसके घर में गए थे सर। फिर उसकी कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर हम उसका रेप करना चाहते थे, लेकिन तभी स्टेला का पांव फिसल गया और वो गिरकर मर गई। और तभी प्रज्ञा ने हम सबको देख लिया। प्रज्ञा कहीं पुलिस को सारी बातें न बता दे, इसलिए हमने उसे मारने की कोशिश की, पर प्रज्ञा का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सर, इस केस से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। इंस्पेक्टर नायक ने मेरी कनपट्टी पे गन रखकर मुझे जबरदस्ती कबूल करने को बोला। मुझे धमकी दी कि वो मुझे मार डालेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लड़का झूठ बोल रहा है योर ऑनर। पुलिस स्टेशन में इसे किसी भी प्रकार से धमकाया नहीं गया है सर। इन लोगों ने 5 तारीख को स्टेला को मारा और फिर 6 तारीख को प्रज्ञा को मारने के लिए पब में गए थे योर ऑनर। पब से वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागी और अपनी स्थिति बताने के लिए 100 पर डायल भी किया। उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ मौजूद है सर। उसके अलावा योर ऑनर, ये स्टेला से जहाँ बाद में मिले उस शॉपिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग इस पेन ड्राइव में मौजूद है योर ऑनर। आपके सामने मौजूद गवाहों और आपके सामने जो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई उनके आधार पर आपसे गुजारिश है कि इन चारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस प्रोसीड। मेरे क्लाइंट स्टेला के साथ मॉल में शॉपिंग करने गए थे, ये सच, लेकिन साथ में शॉपिंग करने का मतलब मर्डर भी उन्होंने ही किया है, ये कैसे साबित हो सकता है सर? और ये तो पॉसिबल ही नहीं है योर ऑनर, क्योंकि 5 तारीख को जो मेरे क्लाइंट वशीकरण ने जो नॉवेल लिखी थी उसके एग्रीमेंट के लिए वो दिनकर पब्लिकेशन गए थे, ये है लेटर। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोर्ट इसे ध्यान से देखे। पब्लिकेशन की इस मीटिंग के बाद मेरे क्लाइंट्स पार्टी करने के लिए श्रीलंका गए हुए थे और पार्टी खत्म करने के बाद 7 तारीख को सुबह वो वापस आ गए थे। ये रहे उनके फ्लाइट टिकट्स और बाकी के डॉक्यूमेंट्स, और कुछ भी नहीं योर ऑनर। 6 तारीख को मेरे क्लाइंट्स ने फेसबुक पर पार्टी की जो फोटो डाली थी वो फोटोज ये रही योर ऑनर। मैं साफ साफ कहता हूँ कि इस केस से मेरे क्लाइंट का कोई संबंध नहीं है। इंस्पेक्टर नायक ने हमारे क्लाइंट्स को मार पीट कर झूठा बयान लिया सर, और ये साबित करने की कोशिश की कि ये मर्डर हमारे क्लाइंट्स ने ही किया है सर। हमारे क्लाइंट के दोस्त ने पूरा वीडियो शूट किया है, मैं चाहता हूँ कि आप देखें। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ए, बड़ी मासूम सी शक्ल बनाता तू, हां? उस दिन तूने जो बयान दिया ना, उससे मुझे शक हो गया था कि तुम चिल्ला रहे। इंस्पेक्टर नायक ये बात जानते हैं और जिसे हत्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लड़की बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट थी। स्टेला की मौत ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई है, ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और रही बात उस लड़की प्रज्ञा की, वो नशे में थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के फाइल में यह रिकॉर्ड है। योर ऑनर, प्रज्ञा के एक्सीडेंट के समय हमारे क्लाइंट्स वहां पर थे ही नहीं। मैं अपनी पहली गवाह को, जो इन सारी घटनाओं से अच्छी तरह से वाकिफ है, उन्हें कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। प्रोसीड। नमस्ते सर। आपका नाम? कमला है सर। कैलाश और टोनी 6 तारीख को रात को 12 बजे तुम्हारे पास आए थे क्या? हाँ जी सर, आए थे मेरे पास। दैट्स ऑल योर ऑनर। दूसरी गवाह चिंटू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा सर। प्रोसीड। देखो चिंटू। सर। 7 तारीख को 12:15 पर साकेत तुम्हारे गैराज में आया था क्या? कार रिपेयर करवाने आए थे सर, रिपेयर करवाने के बाद चले गए थे। ओके, तुम जा सकते हो। ओके सर। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। वशीकरण अपने दोस्त की पार्टी में गया था, वहां 12:15 पर जो इसने फोटो खिंचवाई थी ये है उसका सबूत। दरअसल हमारे क्लाइंट्स वहां पर थे ही नहीं। 4 लोग पीछा कर रहे हैं इसका मतलब वो 4 लोग यही हैं, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर नायक बेवजह में हमारे क्लाइंट्स को टॉर्चर कर रहे हैं सर। योर ऑनर, इस केस को लेकर मैं एसीपी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, इस बात की इजाजत कोर्ट से चाहता हूं सर। ओके। एसीपी साहब, प्रज्ञा केस में आपने इंस्पेक्टर नायक को क्यों ट्रांसफर किया? प्रज्ञा का एक एक्सीडेंट केस है सर। सीए नायक को समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, गलत तरीके से प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसका ट्रांसफर कर दिया था सर। योर ऑनर, आखिर में मैं कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ,
कि 6 तारीख को जो स्टेला की मौत हुई है और प्रज्ञा के एक्सीडेंट के पीछे हमारे क्लाइंट का कोई भी संबंध नहीं है। मेरे क्लाइंट पूरी तरह से निर्दोष हैं योर ऑनर। इसीलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि पुलिस की पावर को दुरुपयोग करने के लिए इंस्पेक्टर नायक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वो भविष्य में ऐसा कभी ना करें। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि चारों निर्दोष हैं और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है और सीए नायक को बेगुनाहों पर जुल्म ढाने के लिए 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का पुलिस डिपार्टमेंट को अदालत हुक्म देती है। राज्य सूर्यलंका में था इसलिए हमारा प्लान सक्सेस हो गया यार। जब हम स्टेला के घर सूर्यलंका में थे तब उसने हमारी सारी एक्टिविटी 2 आवर्स में फेसबुक पर अपलोड कर दी और उसने प्रॉपर सबूत बना दिया। हमारी फोटो और लोकेशन शेयर करने की वजह से आज हम कोर्ट को बेवकूफ बनाकर बाहर आ गए। हैं कसम से यार, तूने क्या मस्त प्लान बनाया था। नायक कितनी भी कोशिश कर ले हम लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। पागल हो रहे हो ना, मैंने जो शौक दिया है उससे तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते हो। नायक क्राइम स्टोरी लिखने वाला क्रिमिनल माइंड है मेरा, दिमाग में रखना हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगा। मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकोगे तुम। दुखी अपने जॉब के लिए नहीं हो रहा हूं पूजा। फिर स्टेला के फादर को किया हुआ वादा नहीं निभा पाया, गलती मेरी थी, मैं उनसे 2 कदम भी आगे नहीं सोच पाया। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना, सिस्टम ने साथ नहीं दिया तो क्या कर सकते हो। सेंसेशनल क्राइम नॉवल राइटर वशी जी हमारे साथ हैं, कुछ देर हम उनसे बात करेंगे। हाय वशी जी। हाय। आपके नॉवेल्स इतने फेमस होते हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत सिंपल बात है, नॉवेल लिखते समय उसमें जो नायक होता है उसे मैं खुद को समझता हूँ। सपोज कोई एक चोर की कहानी है तो मैं एक चोर की तरह सोचता हूँ, और अगर पुलिस से रिलेटेड है तो पुलिस की तरह सोचता हूँ। आप मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड कहानी लिखते तो मर्डर करने के हिसाब से सोचते। मैंने कहा सोचता हूँ, करता हूँ ऐसा तो नहीं कहा। बहुत सिंपल बात है, नॉवेल लिखते समय उसमें जो नायक होता है उसे मैं खुद को समझता हूँ। सपोज कोई एक चोर की कहानी है तो मैं एक चोर की तरह सोचता हूँ, और अगर पुलिस से रिलेटेड है तो पुलिस की तरह सोचता हूँ। हाय
क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास सबूत है तो उसे अरेस्ट कर सकते हो ना? वो लोग सूर्य लंका में थे, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके पास, कोर्ट भी यही मानेगा। तो अब क्या करोगे? प्रज्ञा जब तक कोमा से बाहर नहीं आती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हेलो। हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी फ्रेंड प्रज्ञा को कभी भी होश आ सकता है सर। थैंक यू सो मच। प्रज्ञा होश में आने वाली है। अब हम लोग को एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कोमा से बाहर आ जाए उससे पहले ही हॉस्पिटल में उसको और सच को हमें खत्म करना होगा। इसकी मौत के साथ ही स्टेलर का केस भी खत्म हो गया। Cheers! Hey, हमने मारा तो प्रज्ञा को है, लेकिन असल में मरा है नायक। अरे नायक, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, 100 साल जियोगे? आओ बैठो, सर को बैठने दो यार, चलो उठो बैठिए। इंस्पेक्टर नायक बैठ जाइए। अभी हम लोगों ने जो तरीका अपनाया उसकी वजह से सर की नौकरी चली गई। तुम्हारे डैडी के पास जॉब के लिए आए होंगे शायद। इसके लिए डैड से क्या बात करनी, मैं ही काफी हूँ। कल से मेरे पास ड्राइवर की हैसियत से जॉब ज्वाइन कर लो। अरे चुप हो जा यार, हमने जो प्लान बनाया उससे ये ऑलरेडी मर चुका है, अब क्यों मार रहे हो इसको यार? सर के लिए एक पैक बनाओ यार, बनाओ। सिगरेट प्लीज। आज वो पंच और पावर कहाँ है? बहुत दिन हो गए ना। हाँ यार सच में। अरे यार ऐसा होगा सोचा नहीं था। आफ्टर ऑल तो क्रिमिनल का बेटा है तो उसकी तरह स्केच बनाएगा। पुलिस वाले फिर क्या रंगोली बनाएंगे लेखक की औलाद? कल सुबह कोर्ट में मिलेंगे, फिर आएगा मजा। ट्रांसफर किया मगर तू बदला नहीं, सस्पेंड किया मगर तू माना नहीं, अब तुझे मरना ही होगा। ए, जब ड्रेस थी तो सिस्टम बीच में आ गया और मैं इनको खुलकर मार नहीं पाया। अभी सिविल ड्रेस में हो ना, इसलिए सिस्टम विस्टम नहीं जानता। एक एक को दो दो किलो के घूसे पड़ेंगे। Thank you.
केस को रीओपन करने के लिए स्वीकृति के लिए कोर्ट को धन्यवाद करता हूँ। वशी, टोनी, साकेत, कमलेश, इन सभी मुजरिमों ने दोनों ही खून किए हैं, इसके सारे सबूत मौजूद हैं योर ऑनर। प्लान के मुताबिक वशी ने स्टेला को अपने विश्वास में लेकर अपनी कहानी के हिसाब से उससे सुसाइड नोट लिखवाया, फिर उसको मारकर उस लेटर को डेड बॉडी के पास रखा और उसी ने सुसाइड किया है ऐसा सबूत बनाया। वशी के बुक में जो स्टेला की हैंडराइटिंग है और वशी ने जो नॉवेल में लिखा है सुसाइड लेटर, दोनों को कंपेयर किया जाए, इसके लिए कोर्ट से गुजारिश करता हूं। स्टेला को जब मारा गया तब ये चारों हैदराबाद में ही थे और फिर बाद में इन्होंने झूठे सबूत बनाए। इससे संबंधित सारे सबूत टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं। वशी और इसके फ्रेंड्स हैदराबाद के सूर्यलंका में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज, उसके टोल रेट रिसिप्ट। इनका साथ देने वाले राजू को इस समय मैं कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार सर। तुम्हारा नाम? राजा सर। जो कुछ भी हुआ है वो जज साहब को सच सच बताना। वसी और उसके सारे फ्रेंड्स 5 तारीख को श्रीलंका में आए थे सर। 6 तारीख को हैदराबाद जाने से पहले इन लोगों ने मुझे फोन किया था और इन लोगों ने मुझसे बोला कि फेसबुक पे 5 तारीख का फोटो मैं 6 को अपलोड कर दूं। फिर 7 तारीख को ये चारों वापस श्रीलंका में आ गए थे सर। 6 तारीख को मेरे फोटो अपलोड करने के बाद इन्होंने मुझे फोन किया और 7 तारीख को ये श्रीलंका में वापस आ गए। प्रज्ञा के होश में आने से ये चारों फंस सकते थे, इस डर से इन चारों ने हॉस्पिटल में जो प्रज्ञा की हत्या की उसकी ये फुटेज है सर। सारे सबूतों को देखते हुए मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सारे गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए वशी, टोनी, साकेत और कैलाश को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। यस। इसके अलावा सारे मामलों को देखते हुए एसीपी और जयदेव वेदा को गलत तरीके से कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए मिनिस्टर जयदेव वेदा और एसीपी को दोनों के ऊपर पुलिस कार्यवाही का हुक्म सुनाती है। क्या हुआ और कैसे हुआ, यही सब दिमाग में सोच रहा ना। नॉवल के नाम पर स्टेला से सुसाइड नोट लिखवाया और उसको मार कर उसके बगल में सुसाइड नोट रख देने से तुम लोग उसे सुसाइड करार दिलवा दोगे। हाँ, यही स्केच बनाया था ना। मर्डर केस को सुसाइड केस बनाने का स्केच अगर तुम्हारे पास है तो मरी हुई प्रज्ञा को फिर से तुम्हारे हाथों मरवाने का स्केच हम पुलिस वालों के पास नहीं है क्या बेवकूफ? प्रज्ञा को दोबारा मारा मतलब?